दोस्तों आपने भी कभी ना कभी बचपन में जब एग्जाम दिया होगा तो चीटिंग जरूर करी होगी। आप सोचते होंगे कि यार पढ़ना ना पड़े और ऐसे ही कोई चीटिंग का नया तरीका निकल जाए। आज आपको एक ऐसी ही खबर बताएंगे जिसमें एक शख्स ने चीटिंग का अनोखा तरीका निकाला है। वेल, मैं यहाँ पर आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप इस तरीके को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी जगह ना दें। चीटिंग करना हर लिहाज से गलत है। आप खूब मेहनत करें तभी किसी भी एग्ज़ाम को आप पास कर पाएंगे। स्वागत है आपका अजब गजब में और मैं हूँ मेघा। चलिए बताते हैं कि इस शख्स ने क्या अजब गजब तरीका निकाला था। इस शख्स का तरीका ऐसा था कि प्रोफेसर भी इसके चीटिंग के तरीके को देखकर हैरान हो गए और उन्होंने इसे एक आर्ट का नाम दिया, क्योंकि जिस तरीके से इस शख्स ने एक पेंसिल के ग्रेफाइट लेड को एक सुई में बदल दिया था वो वाकई में देखने लायक था। आए दिन हम एग्जाम में चीटिंग की खबरें सुनते रहते हैं। कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स तो कई बार पॉकेट में नोट्स लेकर पहुंच जाते हैं, आपने भी किया होगा। इसके अलावा इन दिनों कई लोग एग्जाम में चोरी छिपे मोबाइल भी ले जाते हैं। मुन्ना भाई MBBS का वो सीन तो आपको याद होगा जब संजय दत्त एग्जाम देने के लिए हॉल में बैठे थे और पीछे से उनका दोस्त उनकी मदद कर रहा था। इसमें फोन के जरिए वो चीटिंग कर रहे थे। जैसे जैसे चीटिंग की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, बहुत हद तक पाबंदियां भी लग गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। आज आपको हम ऐसे ही नकल की बात बताएंगे जो हमारे देश में नहीं बल्कि स्पेन में हुआ है, लेकिन चीटिंग का तरीका इतना नायाब है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। स्पेन में एक प्रोफेसर ने एग्जाम के दौरान एक छात्र को नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। इस छात्र का चीटिंग करने का तौर तरीका बेहद अलग था। छात्र ने पेन पर छोटे छोटे नोट लिखे थे। इसके पास एक दो नहीं बल्कि कई पेन थे और सभी के ऊपर बेहद बारीक अक्षरों में नोट्स लिखे हुए थे। ये घटना स्पेन के मेलागा विश्वविद्यालय की है। लॉ के प्रोफेसर योलांडा डी लुच्ची ने ट्विटर पर इसकी फोटो भी शेयर करी है। उन्होंने इन सभी पेन को बाद में जब्त कर लिया। प्रोफेसर भी इस चीटिंग के तरीके को देखकर हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा यह किसी आर्ट से कम नहीं था। गोजो नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया कि कैसे उस व्यक्ति ने एक पेंसिल के ग्रेफाइट लेड को एक सुई में बदल दिया था जिसने उसे पेन की सतह पर लिखने में काफ़ी मदद करी। परीक्षा के दौरान चीटिंग के लिए हर बात का ख्याल रखा गया जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, लिहाजा हर टॉपिक को सही तरीके से लिखा गया था। अगर आप भी ध्यान से देखेंगे तो पेन के एंड को काले रंग से पेंट किया था। वेल दोस्तों, इस खबर को सुनकर आप इसकी तरह गलत रास्ते पर बिल्कुल मत चलना और हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको इस बंदे की चीटिंग का जो इनोवेटिव तरीका था ये कैसा लगा। आप देख रहे थे अजब गजब। अभी के लिए बस इतना ही, फिर आपको सुनाएंगे एक नई हैरान करने वाली कहानी। तब तक के लिए ख्याल रखें, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।